मेरा नाम जितेंद्र सोनी है, मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ। मेरी मम्मी के पेट में दर्द हुआ था, मेरी मम्मी का नाम शारदा है, तो उनको मैं भरतपुर दिखाने लेने गया था, तो उनको बताया कि पित्त की थैली में पथरी है। तो उनको जब मैं जयपुर रूंगटा हॉस्पिटल में डॉक्टर बेंगानी अमित बेंगानी जी के पास दिखाने लेके आया था, तो उन्होंने बताया कि उनका पित्त की थैली में पथरी है, ऑपरेशन होना है। तो मैंने यहाँ उनका ऑपरेशन करवाया। डॉक्टर अमित बेंगानी जी ने मुझे ऑपरेशन थिएटर में बुला के बताया था कि पित्त की थैली की कंडीशन क्या है और ये किस तरह से स्टोमक से चिपकी हुई है। तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में बुला के बताया इस चीज़ को। उन्होंने मुझे अच्छी तरह से समझाया, तो उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन दूरबीन से ही करेंगे हम, लेकिन आपको बताया है कि किस तरीके से क्रिटिकल केस है। तो बाद में उन्होंने 2-3 घंटे ऑपरेशन चला, लेकिन वो जो ऑपरेशन है वो सफल हो गया दूरबीन से ही, उसमें चीरा लगाना नहीं पड़ा। तो डॉक्टर बेंगानी जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी का ऑपरेशन सफल तरीके से कर दिया और अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम 8 दिन बाद टाँके कटवाने आए हैं और अभी सही है, कोई पेट में दर्द नहीं है, बिल्कुल अच्छे सब तरीके से सही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित बिंगानी जैन, मैं सीनियर कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन रूंगटा हॉस्पिटल में। ये पेशेंट शारदा देवी मेरे पास आई थी पेन एब्डोमेन लेके। इसके अल्ट्रासाउंड में गॉल स्टोन्स डायग्नोज हुए थे एंड चूंकि ये मॉर्बिड ओबेसिटी की पेशेंट है, वो वेट थोड़ा ज़्यादा है और अल्ट्रासाउंड में ये था कि पिक्चर की क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस, जीबी वॉज कॉन्ट्रैक्टेड, छोटा जीबी था, श्रंकन था। तो जब हमने इनको सर्जरी के लिए एडवाइस किया और सारी सर्जिकल डिटेल्स जो भी गॉल ब्लैडर से संबंधित होती है लैप्रोस्कोपिकली करते हैं, मैंने इनको पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे करते हैं और क्या प्रॉब्लम है, तो आपको सर्जरी करवानी है एज सून एज पॉसिबल, नहीं तो मल्टीपल स्टोन्स थे तो दिक्कत कर सकती है, स्टोन्स सीबीडी में आ सकता है। तो एंड शी वॉज हाइपरटेंसिव और वो भी हाइपरटेंशन की इनकी ट्रीटमेंट इरेगुलर थी, तो ये भी एक कंसर्न है फैक्टर। तो जब हमने इनको ओटी में लिया तो गॉल ब्लैडर वॉज डेंसली एडहरेंट टू ओमेंटम, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पे पूरा चिपका हुआ था गॉल ब्लैडर, स्टमक ओमेंटम, स्टमक वॉज बैडली एडहरेंट, पूरा चिपका हुआ था। जब हम डिसेक्शन कर रहे थे, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये फ्रोजन कैलॉट्स भी फ्रोजन था, जो कैलॉट्स ट्राइंगल होता है वो भी फ्रोजन था और स्टमक पूरा चिपका हुआ था। ये स्टमक और गॉल ब्लैडर के बीच में कम्युनिकेशन बन गया था, फिस्टुला बन गया था, कोलेसिस्टो गैस्ट्रिक फिस्टुला बन गया था। तो ऐसे में जनरली क्या होता है कि ओपन कन्वर्शन रेट बढ़ जाती है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि कोई और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इंजुरी हो जाए, कोई भी ऑर्गन को इंजुरी ना हो, इसलिए ओपन कन्वर्शन की रेट इसमें ज़्यादा हो जाती है। बट स्टिल हमने लैप्रोस्कोपिकली डिसमेंटल किया जो फिस्टुला था स्टमक और गॉल ब्लैडर के बीच में, डिसमेंटल करके और गॉल ब्लैडर को निकाला और जो डिसमेंटल स्टमक पोर्शन था उसको रिपेयर किया है एंड ड्रेन डाल के रखे थे और पेशेंट को 5 दिन बाद ड्रेन निकाला गया और 7 दिन बाद टाँके निकाले। पेशेंट इज फुली कंफर्टेबल नाउ एंड अपना खाना पीना, अपनी दिनचर्या, अपना काम सब कर पा रही है पेशेंट बिना कोई तकलीफ के। कोई कंप्लेन नहीं है, कोई फीवर नहीं है, कोई पेन एब्डोमेन नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। तो मेरी ये सजेशन रहेगी आपसे कि कोई भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स अगर होते हैं, आपको डायग्नोज है या कुछ भी पेन एब्डोमेन, आपको बार बार पेट दर्द हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि इसको ये सोचते हैं कि गैस का दर्द है, गैस का दर्द है, और दुकान से जाके दवाई ले लेते हैं और वो उसको परमानेंट इलाज नहीं कर पा पाते हम करते हैं। तो एक बार उसको डायग्नोज करें कि भाई बार बार पेट दर्द का कारण क्या है, पित्त की थैली में पथरी भी उसका एक अच्छा बड़ा कारण हो सकता है, और निगलेक्ट करने से वो पथरी नीचे भी निकल सकती है, सीबीडी में आ सकती है। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कभी, अगर रेगुलर बेसिस में अगर आपको पेट दर्द और गैस की प्रॉब्लम है तो। एंड इसका सफल इलाज दूरबीन से बिल्कुल होता है, कोई भी पेट से संबंधित दिक्कत हो, चाहे वो अपेंडिक्स हो, हर्निया हो, गॉल ब्लैडर हो, बच्चेदानी हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं रूंगटा हॉस्पिटल में। हम सारे सर्जरीज दूरबीन द्वारा ही करते हैं। थैंक यू सो मच।